देश की बेटियों ने पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर सबसे लंबी उड़ान पूरी करके इतिहास रच दिया है। जी हाँ, एयर इंडिया की चार महिला पायलट्स का ये दल सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरकर डायरेक्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आज सुबह करीब 4 बजे लैंड किया। इस उड़ान पर जोया अग्रवाल के साथ कैप्टन तन्मयी पापागिरी, कैप्टन आकांक्षा सोनावने और कैप्टन शिवानी मनहास मौजूद थी। जब इन तीनों ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो उनका एयरपोर्ट की टीम ने गुलाब के फूल देकर स्वागत किया। सभी के चेहरे पर एक गर्व का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। सिलिकॉन वैली इंडिया की कनेक्ट करने का आज मुझे बहुत ही खुशी है। एयर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम सब ने मिलकर ये एक सपना साकार किया है जो कि दो सिलिकॉन वैली को कनेक्ट करता है। ये है दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में से एक उड़ान है जो आज हम नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भर के आए हैं। यह एक बहुत ही बड़ा इतिहास का पन्ना पलटा है हमने और ये हम सबने महिला विमान चालिकाओं ने करा है। आप बताइए, चार आपके सामने विमान चालिकाएं इतनी हिस्टोरिक फ्लाइट उड़ा के आई हैं, इससे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और कुछ नहीं हो सकती। यह है एक एक लड़की जो बाहर देख रही है उसके लिए ये एक सपना सच करने का जरिया है कि सपनों को मत छोड़िए, सपने को देखिए, उसकी आंख में देखिए, परिश्रम करिए दृढ़ता से और आप वहां पे जरूर पहुंचेंगे।